हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आपको क्या पता है हमारे फ्री फायर का OB33 अपडेट कौन सी डेट को आने वाला है। तो आज के वीडियो में आपको यही डिक्लेयर करूंगा कि हमारा OB33 का अपडेट हमारे गेम में अभी तक क्यों नहीं आया और कौन सी कंफर्म डेट क्या आने वाला है। ठीक है, मतलब आज के वीडियो में आपको कंफर्म डेट के साथ बताऊंगा। और इसके साथ काफी सारे बंदे बोल रहे हैं कि इंडिया में फ्री फायर बैन होने वाली है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे हमारा OB33 अपडेट हमें कौन सी डेट के ऊपर मिलने वाला है, हमें OB33 अपडेट मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला, और अगर बैन गेम हो वो बैन हो गई तो हम कैसे गेम को खेल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को एंड तक देख लेना, वरना आपका ही लॉस होगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाओगे, तो ऐसी गलती मत करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप सभी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप यही इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियो को आप मिस ना करो। अगर अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि हमारी गेम मतलब हमारी इंडिया सर्वर में हमारी गेम के अंदर अपडेट आया ही नहीं, एक अपडेट आया था छोटा सा जो था 40 MB का। ठीक है, वो अपडेट क्यों आया था वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। वो अपडेट इसलिए थे जिससे हम गेम को ओपन कर सके। ठीक है, बाकी अभी कोई भी अपडेट हमारे OB33 अपडेट हमारे इंडिया सर्वर में देखने के लिए नहीं मिला, बाकी सर्वर्स के अंदर देखने के लिए मिल गया है। और उनकी गेम भी है वो इजिली स्टार्ट हो रही है, और उनकी जो लॉबी और स्क्रीन मतलब टैप टू बिगिन वाली स्क्रीन और सब कुछ चेंज हो गया, और जो पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है वो भी चेंज हो गया, सब कुछ BTS के थीम पर हो चुका है। जबकि हमारे इंडिया सर्वर की बात करें तो हमारे इंडिया सर्वर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारे फ्री फायर के अंदर, तो देखते हैं कब तक चेंज होता है। अभी बात कर लेते हैं कि हमारा 40 MB का अपडेट कब हमें क्यों मतलब देखने के लिए मिला था। वो इसी के लिए देखने के लिए मिला था जिससे हमारी गेम चले, क्योंकि आपको पता है अगर गेम में अपडेट आया और हम गेम को अपडेट नहीं करते तो हमारी गेम नहीं चलती। बट ये 40 MB का अपडेट आया उसका यही कारण था जिसकी वजह से हम गेम को खेल पाए, बट अपडेट नहीं आया। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं आपको अपडेट कब देखने के लिए मिला है। तो जितना भी मैंने रिसर्च किया उसके बारे में यही पता लग रहा है कि अपडेट है ना आज या फिर कल के दिन हमें देखने के लिए मिला था, बट आज आपको पता है कोई भी अपडेट आपको देखने के लिए नहीं मिला, और उसमें यही बोल रहे हैं कि आज या फिर कल, आज या फिर कल। और कल मैं जैसे देखूंगा तो उसमें भी यही बोलेगी आज या फिर आपको कल देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा क्यों दिखने के लिए मिल रहा है? तो इसका सीधा सा मतलब ये कि इनका जो ऑडियंस है ना फ्री फायर की, वो रोक के बना के रखने का इनका प्लान है। मतलब जितने भी गरेना के जितनी कंपनी है वो यही चाहते कि फ्री फायर की ऑडियंस है ना उनके साथ बने रहे, उनको छोड़ के ना जाए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि हमारी गेम में अपडेट कब तक आएगा, तो यही सीधा अर्थ निकल के आता है कि जब हमारी गेम फ्री फायर में पूरी तरीके से मतलब हमारे इंडिया सर में फ्री फायर पूरी तरीके से जब अनबैन हो जाएगी मतलब प्ले स्टोर के अंदर आ जाएगी, उसके बाद हमें अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। और अभी बहुत सारे बग क्रिएटर्स ये भी बोल रहे कि अभी अपडेट नहीं आने वाला, हमारी गेम बैन हो चुकी है, तो अभी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बट उससे पहले अभी काफी सारे बंदे वो फ्री फायर को अपडेट कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? वो VPN लगा के फ्री फायर को अपडेट कर रहे हैं। तो उन सारे बंदों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि फ्री फायर को प्लीज VPN लगा के अपडेट मत करो, क्योंकि फ्री फायर ने इधर खुद बोला है कि जो भी बंदा VPN लगा के फ्री फायर को अपडेट या फिर डाउनलोड करेगा उसकी ID को हम बैन कर पाएंगे। तो गाइस प्लीज ऐसी अपनी ID के बारे में रिस्क मत लो, क्योंकि अगर आपने VPN लगा के फ्री फायर को डाउनलोड या फिर अपडेट किया तो आपकी ID बैन भी हो सकती है। तो प्लीज ऐसा रिस्क मत लो, जल्दी हमारे इंडिया सर्वर में फ्री फायर बैन या फिर अनबैन हो जाएगी और अपडेट भी आ जाएगा। तो चलिए अभी बैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि यही अपने सेशन में बैन हो सकते हैं फ्री फायर, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि आप देखो, पहली बात यह कि हमारी फ्री फायर में अभी तक कोई भी OB33 का अपडेट देखने को नहीं मिला, सारे सर्वर के अंदर मिल गया। दूसरी बात यह है कि हमारे नेपाल सर्वर को हमारे फ्री फायर के इंडिया सर्वर से अलग कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यही निकल के आता है कि नेपाल के जितने भी प्लेयर है उनको फ्री फायर बचाना चाहती है, इसकी वजह से उनको फ्री फायर ने हमारे जो नेपाल सर्वर को अलग कर दिया। ठीक है, आप इतना थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ, इसका यही मतलब निकल के आता है कि इंडिया में जल्दी फ्री फायर बैन होने वाली है। बाकी गाइस आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, अगर हमारी फ्री फायर बैन होगी तो #YesSpam कर दो, और अगर आपको लगता है कि फ्री फायर बैन नहीं होने वाली तो #NoSpam कर दो। ठीक है, देखते हैं कौन से सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं और उससे क्या डिक्लेयर करेंगे कि फ्री फायर बैन होगी कि नहीं, ऑडियंस को क्या लगता है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि फ्री फायर मतलब मुझे भी जितना आपको पता है उतना ही है कि फ्री फायर बैन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर बैन होगी तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्री फायर मैक्स हमारी इंडिया सर्वर से बैन नहीं होगी, वो हमारे इंडिया सर्वर में ऐसे ही चलने वाली है। तो ये एक बैड न्यूज तो हो गई, इसके साथ एक गुड न्यूज भी है। वो गुड न्यूज ये है कि जल्दी हमारी फ्री फायर मैक्स है ना उसकी जो MB है वो डाउन होने वाली है, जिससे लो प्लेयर के जितने भी डिवाइस थे मतलब लो डिवाइस के प्लेयर जितने भी थे वो इजिली फ्री फायर मैक्स को अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि फ्री फायर हमारे इंडिया सर्वर से बैन होगी और फ्री फायर मैक्स एकदम मक्खन की जैसे हमारे इंडिया सर्वर में चलने वाली है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं फ्री फायर मतलब गरेना का क्या राय रहती है। OB33 अपडेट जहां तक मुझे लगता है, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी प्ले स्टोर में जब फ्री फायर आएगी तभी हमें देखने के लिए मिलेगा, या फिर एकदम से बैन हो जाएगी फ्री फायर तब हमें OB33 अपडेट सिर्फ हमारे फ्री फायर मैक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो इस चैनल के ऊपर सबसे पहले आ जाएगी, तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको सब समझ में आ गया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।